और देखिए फ्रेंड्स, फाइनली वो दिन आ चुकी है जिसके लिए हम लोग आए थे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा भीड़ है। आज मुंडन का बहुत ज़्यादा दिन था, मतलब बहुत अच्छा दिन था, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे का मुंडन हो रहा था और हमें जगह नहीं मिल पा रही थी। तो देखिए फाइनली एक जगह मिला है जहाँ पे बैठे हैं। और मैं आप लोग को बता दूँ कि बाबू इतना ज़्यादा रो रहा था, उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। और उसका रोते रोते में उसके सर में थोड़ा सा मतलब उससे वो जो इससे छीलते हैं उससे थोड़ा लग भी गया था। तो देखिए ये अभी पूरा डरा हुआ है कि इसके साथ होने वाला क्या है, इसको पता भी नहीं है कि इसके साथ क्या होगा। और ये हम लोग को भी लग रहा कि कैसे ये मतलब पूरा इसको टकला करना था, मतलब पूरे इसके बाल को हटाना था। तो वही देखिए नियम इस तरह से हम लोग का होता है कि जो फुआ होती हैं, दीदी होती हैं, उन लोग को इस तरह से मतलब आँचल में अपना लेना पड़ता है। इस तरह से पान के पत्ते पे दही और हल्दी लगा के, मतलब आप लोग के यहाँ पे किस तरह से होता है मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरह से होता है। कुछ लोगों का सेम भी होता होगा, कुछ लोगों का अलग भी होता है। तो देखिए हमारे यहाँ इस तरह से पान के पत्ते पे दही और हल्दी लगा के और बच्चे का मुंडन का जो बाल कटता है वो इस तरह से आँचल में फूआ और दीदी लेती है। तो और उसके साथ बहुत सारा पैसे भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, फ़ायदे भी हैं कि बाल के साथ पैसा भी लेना पड़ता है। तो देखिए इन लोगों को बहुत सारा पैसा मिल चुका है और इधर मिली टेंस्ट में है कि सबको पैसा मिल रहा, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो मैं मिली को पहले से समझा ही नहीं थी कि ऐसा मतलब होता है, तो वो पूरा मुंह बना रही थी कि मम्मी हमको क्यों नहीं मिल रहा। तो मैं उसको उसके हाथ में कुछ पैसे पकड़ा दी कि लो तुम्हें भी मैं दे रही हूँ। तो बोल रही नहीं मुझे तुमसे नहीं चाहिए, और सब जितने भी लोग दे रहे हैं सबके हाथों से मुझे पैसे चाहिए। तो इस तरह से वो जिद कर रही थी। उसके बाद मैं उसको अपने उसके पापा के पास भेज दी कि जाओ तुम पापा से पूछो। तो पता नहीं उसके पापा ने क्या समझाएं, तो फिर मिली नॉर्मल हो चुकी थी। और ये देखिए इस तरह से बच्चे को इस तरह से निहोच के और पैसे दिए जाते हैं। और बच्चा ऐसा मतलब रो रहा है, इतना ज़्यादा रो रहा है कि वो एकदम चुप नहीं हो रहा। तो देखिए उसके पापा हैं जो आए हैं उसको चुप कराने के लिए, वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और देखिए अब बच्चे का बाल छीलना मतलब छीलने का स्टार्टिंग हो चुका है। और देखिए बाबू का बाल, इसके बाल इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि ये मतलब जो लोग भी इसके बाल देख रहे थे वो लोगों को लग रहा था कि इसका बाल को मतलब पार्लर में ले जाके इसको कटिंग कराया जाता है, ऐसा बाल इसका था। लेकिन इसका बाल अभी उस तरह का मतलब अब नहीं रहा, इसका बाल पूरा कट चुका है। और ये देखिए इसका कट गया है, यहाँ पे लग गया है इसको। और मैं बता दूँ कि पैसे इन लोगों को नहीं, जो बाल छीलते हैं उनको भी पैसा दिया जाता है, उनको भी पैसा चाहिए होता है। तो जो कम दे रहे थे पैसा उनसे वो पैसा नहीं ले रहे थे, तो उनको था कि मतलब 100, 200, 500 इस तरह से दीजिए आप लोग। इनको बहुत ज़्यादा पैसा पड़ गया था, लेकिन जो लोग 20-50 दे रहे थे उन लोग का पैसा ये नहीं ले रहे थे। तो मैं ये देख के डर गई थी, तो पहले ही मैं ज़्यादा पैसा इनको पकड़ा दी थी ताकि ये कुछ आगे मुझे ना बोले। तो देखिए ये टकला होने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, आगे आप लोग को और भी इंजॉय करने को दिखेगा। हम लोग इंजॉय किए थे वो सब आप लोग से शेयर की हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं हम लोग होटल गए हैं, पहले रेस्टोरेंट मतलब पहले यहाँ पे मंदिर के बाहर एक पूरी कचौड़ी का दुकान, मतलब पूरी कचौड़ी मिलते हैं, वहाँ पे हम लोग बैठ के नाश्ता किए। उसके बाद हम लोग मतलब बड़े से होटल में गए, वहाँ पे हम लोग खाना खाए। वो रेस्टोरेंट होटल दोनों था, तो वहाँ पे जाके हम लोग खाना खाए थे, जो आप लोग को आगे दिखेगा। और हम मेरे पास और कोई बात ही नहीं रह गया जो मैं आप लोग से बताऊँ, और आप लोग खुद ही आगे आगे वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए। और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ से बाबू जब उठेगा तो यहाँ नद बगल में एक छोटा सा तालाब टाइप का है, उसी में जाके बच्चे को नहलाया जाता है। उसके बाद उसके कपड़े को बदला जाता है, कपड़ा नया पहना जाता है। उसके बाद हम लोग मंदिर में बहुत लंबा लाइन लगाए हैं, और मंदिर में लाइन लगाने के बाद हम लोग को भगवान का मतलब शिवलिंग का दर्शन हुआ है। और मैं आप लोग को बता दूँ कि तारकेश्वर में मंदिर के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधकार था, शिवलिंग पूरे कपड़े से ढके हुए थे, और हम लोग को मतलब एक मोमबत्ती के रोशनी में ही बाबा का दर्शन करना पड़ा।
ठीक से बाबा दिखे भी नहीं, बस हम लोग टच करके महसूस किए कि बाबा को अच्छे से मतलब ऊपर से कपड़े से ढक दिया गया है। पता नहीं क्यों इस तरह से ढक के यहाँ पे रखा जाता है। और इतनी अंधकार में आज तक कोई मंदिर में नहीं देखी थी। गांव साइड में भी जो मंदिर होते हैं वहाँ भी आजकल लाइट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों लाइट ही नहीं थे। और ये देखिए मुंडन के बाद इस तरह का नियम होता है। बाबू बहुत ज़्यादा हीक रहा है, देख रहे हैं हिचक हिचक रहा है रोते रोते, तो उसको अब दही लगाया जा रहा है। ये एक नियम होता है जो सब जितने भी बड़े होते हैं सब दही लगाते हैं, ये एक आशीर्वाद के रूप में होता है। और देखिए हम लोग पानी में बच्चे को नहला के और अब ले जाएंगे मंदिर में। मंदिर में बहुत लाइन है, यहाँ देखिए हम लोग गए हैं पानी में, ये देखिए ये नहा लिया है और अब इसको इस तरह से कपड़ा उपड़ा पहना के और हम लोग देखिए अब लाइन में लग चुके हैं। लाइन बहुत लंबा था और मंदिर के अंदर तो वीडियो नहीं बना पाएंगे, इसीलिए मैं बाहर से ही आप लोग को बता दूँ कि मंदिर के अंदर वीडियो बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा अंधकार है कि हम लोग शिवलिंग को सिर्फ टच करके समझ पाए थे कि अंदर में शिवलिंग को ढका हुआ है, मतलब ढक दिया गया है। और ये देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी और मैं दादी को संभालते हुए हम लोग अब दर्शन कर चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तो रेस्टोरेंट में हम लोग खा रहे हैं पूरी सब्जी रसगुल्ला। ये देखिए छोटा सा यहाँ पे लाइन से इस तरह का रेस्टोरेंट है जिसमें हम लोग खाए हैं और खा के उसके बाद हम लोग निकले हैं। निकल के हम लोग होटल गए हैं, होटल में भी खाए हैं और यहाँ का पूरी और सब्जी मुझे बहुत टेस्टी लगा था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। एक एक मिठाई भी दिए थे, एक नहीं दो मिठाई दिए थे, दो तरह की मिठाई थी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे। और आप लोग को मैं क्या बताऊँ, आप लोग आगे खुद ही देखिए मेरे वीडियो को और इन्जॉय कीजिए। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा। और आप लोग के इधर मुंडन कैसे होता है अगर आप लोग शेयर करना चाहें तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए देखिए अभी हम लोग बस में बैठने आ गए हैं, तो हम लोग बस में बैठेंगे। और मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग दूसरे टोटो में, जो टोटो में हम लोग थे उस टोटो में फंस गए थे। वहाँ रेलवे क्रॉसिंग में हम लोग को बहुत टाइम लग गया था, बाकी लोग पहुँच चुके थे और मेरा बहुत टाइम लग गया था आने में। तो मैं फाइनली आ चुकी हूँ और हम लोग अब बस में बैठ चुके हैं। और ये देखिए एक होटल में हम लोग यहाँ रुके, तो इस होटल में खाना अच्छा नहीं था तो हम लोग यहाँ पर बस हल्का फुल्का चाय और कॉफ़ी लेके हम लोग यहाँ से निकल गए, क्योंकि खाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइटम नहीं था। यहाँ से निकल के और हम लोग फ़ोटोशूट करवा लिए, फ़ोटोशूट करवा के उसके बाद यहाँ से निकले हम लोग होटल का खोजने के ये में। और हम लोग को होटल मिल नहीं रही थी, इतना मतलब इतने लोग थे हम लोग कि एक साथ हम लोग को सबको खाना था, तो हम लोग होटल खोज रहे हैं। और भूख तो नहीं लगी थी लेकिन बस खाना था। और ये देखिए फाइनली हम लोग को होटल मिल गई है, जो ओएसिस होटल थे वो बाली में, दक्षिणेश्वर और बाली के बीच में है। तो हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और ये देखिए हम लोग सब एडजस्ट हो चुके हैं, बैठ गए हैं। और खाना में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, 40 मिनट 45 मिनट में एक एक आइटम ये लोग दे रहे थे बना के, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। और शाम हो चुकी थी तो हम लोग को भूख भी लग गई थी। तो अब हम लोग यहाँ पर नॉनवेज आइटम खा रहे हैं जो आप लोग को आगे देखने को शायद मिले। तो मैं फिर आप लोग से मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओएसिस होटल में आए हैं खाना खाने के लिए। हम लोग तारकेश्वर मंदिर गए थे और वहाँ से अभी हम लोग रेस्टोरेंट में आए हैं। और खाने में बहुत टाइम लग रही है, हम लोग को भूख भी लग गई है। तो देखिए अब कितने टाइम में आ रही है पता नहीं, हम लोग इतने आदमी हैं कि देखिए हम लोग सब जहाँ साथ हम लोग नहीं आ पाए, हर सीट में लोग बैठे हुए हैं, पूरी मेरी फैमिली ही है। तो चलिए खाना आता है तो मैं आपसे मिलती हूँ। 20 मिनट्स लेटर।